गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स रजे बिजनेस स्टडी का आज हम फिफ्थ चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का पॉइंट नंबर फाइव पॉइंट थ्री करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन के मेन कौन कौन सी टाइप्स होती हैं तो आपके सिलेबस में रजे फोर टाइप्स हैं फर्स्ट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक ऑफिस के द्वारा मैनेजमेंट के द्वारा ही क्रिएट की जाती है जिसमें कोई भी पर्सनल टोक नहीं होती सारा ऑफिस से रिलेटेड वर्क ही किया जाता है मीनिंग देखो इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट द्वारा क्रिएट की जाती है फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स गोल्स को अचीव करने के लिए इट इज़ अ ऑफिशियल फ्रेमवर्क फॉर टेकिंग अप एवरी एक्टिविटी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिफाइंड द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप तो इसमें सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज़ का पता होता है दिस स्ट्रक्चर इज़ क्रिएटेड आफ्टर अ लोट ऑफ डेलीब्रेशंस काफ़ी मेहनत करने के बाद ये मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन नो देअर रिलेशनशिप अमंग देअर मंग अनदर तो उनको एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉज को सभी को अपने रिलेशन का पता होता है कि कौन उसका बोस है और कौन उसके अंडर काम कर रहे हैं तो ये हो गई फॉर्मल ऑर्गेनाइशन फीचर्स नेक्स्ट देखो फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एक फॉर्मल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं तो फर्स्ट है ऑफिशियली क्रिएटेड स्ट्रक्चर ऑफिशियली क्रिएटेड स्ट्रक्चर के फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऑफिस वालों के द्वारा ऑफिशियली ही क्रिएटर किया जाता है जिसमें सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर है, होती हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वेल प्रिपेयर डॉक्यूमेंट फॉर द स्मूथ सिस्टेमेटिक वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज स्मूथ रनिंग के लिए सिस्टेमेटिक वर्किंग के लिए फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया जाता है सेकेंड पॉइंट बेस ऑन रूल एंड प्रोसीजर जो फॉर्मल है उसमें सभी रूल्स को फॉलो किया जाता है ऐसे नहीं भी कोई फॉलो ना करे बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस दिया जाता है ऐसे ना हो कोई ज़्यादा काम करे और कोई कम करे बेस्ड ऑन डिविज़न ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन में सभी को डिवाइड करके काम दिया जाता है एज ऑन प्रॉपर डिविज़न ऑफ वर्क द होल वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इन टू स्मॉलर एक्टिविटीज एज पर डिफरेंट सेक्शन और डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही काम को बांट दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होते हैं गाइडेंस के लिए वर्कर्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया जाता है ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो सभी को उनकी पोजिशन से पता लग सके और उनके वर्क का उनको आइडिया हो सके प्रोवाइड स्पेशलाइजेशन तो स्पेशलाइजेशन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया कि स्पेशलाइजेशन मतलब जिसमें जो वर्कर एक्सपर्ट है उसी को वही काम देना तो जिसमें जिसकी वो स्किल है जिसकी वो क्वालिटी है जिसने वो डिग्री की है उसी को वही काम प्रोवाइड किया जाता है तो ये सारे रूल्स को फॉलो फॉर्मल में किया जाता है तो ये होगी इसकी फीचर्स अब वो फायदे क्या हैं एडवांटेज क्या क्या है फॉर्मल के फर्स्ट है स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन मतलब हर वर्क को स्पेशली डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में ताकि हर वर्कर उसको आसानी से कर सके ए पर्सन परफॉर्मिंग द सेम वर्क रेगुलरली वही काम जिसमें स्पेशल होता है वही देते हैं और रेगुलरली वही काम वही, वही पर्सन करता है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्कर ऐसे नहीं होता कि एक काम कोई सभी करने लग जाए सभी को सभी के अलग अलग काम और ड्यूटी से बांट दी जाती हैं इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एवरी वर्क इज़ प्रॉपरली प्लैंड सभी को प्लान करके काम दिए जाते हैं किसी को कोई क्वेश्चन अराइज करने की नीड नहीं पड़ती बेटर कोऑर्डिनेशन अगर फॉर्मली सबको रूल्स पता है तो कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज होगा प्रोपर इवेल्यूशन वर्क हम प्रॉपर्ली वर्क को इवेल्यूट भी मतलब तो जो मैनेजमेंट है वो कर सकती है और टीनिंग ऑब्जेक्टिव अगर हम फॉर्मली रूल को फॉलो करके काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव को ईजीली अचीव कर सकते हैं हेल्पफुल इन कंट्रोल अगर हम इवेल्युएट कर सकते हैं तो कंट्रोल भी ईजीली बना रहेगा तो ये हो गया राजिव एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट डिड डिसएडवाटेज डिसएडवांटेज देखो कैसे हैं मकैनिकल सिस्टम अब डिवाइड करना काम को तो ये मकैनिकल है द डूइंग ऑफ सेम वर्क रिपीटेडली लेट द मोनोटोनी अगर एक वर्कर डेली वही काम करेगा तो वो काम उसी के पास ही रहेगा और कोई नहीं कर सकता नया वर्कर कोई भी नया काम नहीं सीख पाएगा सिंस एम्प्लॉयज आर टू परफॉर्म वट दे हैव बिन टोल्ड जो उनको बोला गया वो वैसे ही करेंगे कोई नया काम नहीं सीख पाएंगे तो ये कमी होगी कि मैकेनिकल सिस्टम है रूल्स को फॉलो करते हो वो डेली वही काम करते रहेंगे नेक्स्ट है रेगूनस रेगुलेशंस रेगुलस मतलब स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होती हैं कि सभी को वो फॉलो करनी ही पड़ती हैं द एम्प्लाईज रिमेन अंडर प्रेशर उनको प्रेशरली वो रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा डिले इन वर्क अगर रेगुलेशन बनाने में ही समय लग गया तो वर्क करने में और इम्पलीमेंट करने में भी बहुत समय कंज्यूम होगा नेक्स्ट है रजें फर्स्ट टाइप तो थी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड टाइप है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने पहले ही बताया जो फॉर्मली क्रिएट किया जाता है वो फॉर्मल होता है और जो इनफॉर्मली मतलब पर्सनली अपने रिलेशनशिप से जो हम रिलेशन क्रिएट करते हैं अपनी बातचीत से तो वो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्सन का दूसरे से पर्सनल जो रिलेशन होता है उस बेस पे जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है वो होती है पर्सनली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ बट ऑन पर्सनल एटीट्यूड वीम्स प्रजिडाइज लाइक और सो ऑन। इट रेफर्स टू वट पीपल एक्चुअली डू कि लोग असल में कर क्या रहे हैं तो उस बेस पर जो वो अपना ही रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं फर्स्ट है फीचर फीचर्स ऑफ फॉर्मल इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो फर्स्ट फीचर है रिलेशन नॉट प्लैंड तो जो वो रिलेशन है कि कौन कौन सा बॉस है कौन किसका एम्प्लॉय है तो ये प्लैंड नहीं होता खुद ही बन जाते हैं अपनी आइडिया से एज अ नेम सुजेस्ट इन फॉर्मल एज अ नेम सुजेस्ट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट प्लान्ड तो कुछ भी पहले से प्लान नहीं होता नो रिटर्न रूल कोई भी पहले से रिटर्न रूल नहीं बनाए जाते नेचुरल प्रोसेस ये पर्सनली ही रिलेशन क्रिएट हो जाता है गैदरिंग से उनके इकट्ठा बैठने से आपसे बातचीत करने से कॉमन इंटरेस्ट आपसी इंटरेस्ट आपसे रिलीजन सेम होने से सिमिलर थिंकिंग होने से ही ये रिलेशन क्रिएट हो जाता है वलन्ट्री मेंबरशिप अपनी ही मर्जी से ये रिलेशन हम क्रिएट करते हैं लैक ऑफ स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी की भी कमी होती है ऐसे नहीं पता कि ये रिलेशन का दो दिन चले या चार दिन चले या महीनों चले तो ये भी स्टेबिलिटी की कमी होती है नेक्स्ट है रजे फायदे एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फास्ट कम्युनिकेशन अगर हमारा पर्सनली रिलेशन किसी के साथ होगा तो हमारी बातचीत भी फास्ट होगी और वर्क भी फास्ट होगा अगर उसको हम पर्सनली जानते होंगे नेक्स्ट है फुलफिल सोशल नीड्स अगर वो अपना ग्रुप बना के बैठेंगे तो उनका इंटरेस्ट भी बनेगा काम में और उनकी बातचीत भी होती रहेगी सपोर्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी मदद मिलती है लाइट एंड बर्डन ऑफ फॉर्मल मैनेजर अगर उनका पर्सनली रिलेशन बन जाएगा काम भी आसान हो जाएगा करने में तो कोऑर्डिनेशन भी खुद ही इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट है रजे डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कमियाँ कौन कौन सी हैं स्प्रेड र्यूमरस अगर वो पर्सनली फॉर्मली इनफॉर्मली रिलेशन क्रिएट करेंगे तो र्यूमरस मतलब अफवाहें भी बहुत फैलेंगी गलत फैक्ट भी एक से दूसरे तक ट्रांसफ़र होते रहेंगे नेक्स्ट है गए रिजिस्ट चेंज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली रेजिस्ट चेंज मैनी इम्पोर्टेंट चेंजेस आर अपोज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नेक्स्ट है एम्फेसिज ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट मोर एम्फेसिज इज गिवन टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट वो अपनी बातों में ही ध्यान देंगे काम पर कम नेक्स्ट रजे फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफ्रेंस है ये आपने खुद लर्न करना है इन्हीं पॉइंट के बेस पर दिया हुआ है अगर ना हुआ तो मेरे को बता देना तो आज आपने रजे मेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये मेन टॉपिक अच्छे से लर्न करना है आज मैंने आपको दो पॉइंट्स करवाए हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को अच्छे से लर्न करना है ओके थैंक यू स्टूडेंट्स